तो हम यहाँ पे ढाबे पे रुके हुए, पंजाबी ढाबा। तो आते वक्त भी हमने यहाँ पर ही खाना खाया हुआ था, तो अभी भी हम सोच रहे हैं कि यहाँ पर खाना खा के निकले, क्योंकि आगे बहुत बड़े बड़े पहाड़ आने वाले हैं और करगिल तक शायद हमें कुछ खाने पीने के लिए नहीं मिलेगा। तो गाइस ये देख सकते हो बिल्कुल चिट्टे चिट्टे पहाड़ हैं, ये मिट्टी के हैं बिल्कुल, इसलिए पत्थर नहीं है। पता नहीं है क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा है यहाँ से। इंजॉय द ब्यूटी ऑफ द मूनलैंड। सो गाइस अभी हम मूनलैंड में एंटर हो चुके हैं, इसको बोलते हैं मूनलैंड, ये चांद की जमीन है। हम चांद पे कब पहुंच गए। डोंट बी गामा इन द लैंड ऑफ लामा। गाइस लगता है साइकिलिंग का बहुत ज़्यादा क्रेज़ बढ़ गया है। ये देख सके हमारे पीछे बहुत सारे के सारे साइकिलिंग पे आए हुए हैं। तो आज हमें बहुत सारे साइकिल जो गदा कर रहे हैं साइकिल पे वो मिलने वाले हैं। यहाँ पे रुकने का कुछ ज़्यादा नहीं लग रहा हमें। हम सोच रहे हैं कि हम अगर कंप्लीट ही कर दें पूरा 400 किलोमीटर, लेकिन थोड़ा मुश्किल है, लेकिन चलो चलो ना। सो गाइस ये देखो यहाँ पे इंडिया का झंडा। सो गाइस ये है नमी कला 12,198 फीट अल्टीट्यूड पर। ये देखो इंडिया का फ्लैग लगा हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे हमारी बाइक लगी, थोड़ा सा हमारा सामान है। तो गाइस करगिल में पहुंचते ही हमारा ये तीसरा ब्रेकफास्ट बोलो, लंच बोलो, डिनर बोलो, जो बोलो, तो तीसरी बार हम खाना खा रहे हैं। तो ये है इमरान भाई खा रहा है, बाहर बाइक लगी है, खाना खा के फिर मिलते हैं आपसे। ये करगिल का बस स्टैंड, ये करगिल मार्केट। अभी हमने ग्रास वगैरह क्रॉस कर लिया है, तो अभी हम जा रहे हैं सीधा श्रीनगर के लिए। 400 कुछ किलोमीटर हमारी आज की राइड थी। तो व्लॉग को करते हैं यहाँ पर एंड।